हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चॉकलेट ट्रूफल केक। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है चॉकलेट केक की। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या है। पहले हम चॉकलेट केक का बेस बनाएंगे। उसके लिए हम सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे छन्नी में छान लेंगे। पहले हमने मैदा डाला, उसके बाद कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और हल्का सा सॉल्ट डाला है। इसे अच्छे से हम छान लेंगे और एक अलग से बोल में निकाल के रख लेंगे। रिटर्न रेसिपी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.labrecipes.com विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हमने जो मिल्क लिया है उसमें हम एक चम्मच विनेगर मिक्स करेंगे और इसे रख लेंगे अलग से। दूसरे मिक्सिंग बोल में हम पाउडर शुगर ऐड करेंगे, उसके बाद ऑयल ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल और शुगर का मिक्सचर जब थोड़ा सा क्रीमी हो जाए उसके बाद हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को थोड़ा और क्रीमी बनाने के लिए हमने जो अलग से दूध रखा हुआ था उसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसके साथ। हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर बना के रखा था उसे हम अभी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। ऐसे हम कट एंड फोल्ड तरीके से मिक्स करेंगे, पूरा साइड्स को स्क्रेप करेंगे और बीच में से कट करेंगे। हल्के हाथ से करेंगे ऐसा। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए हमने जो दूध रखा हुआ था विनेगर मिक्स करके उसे हम यूज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, सब एक साथ नहीं ऐड करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिए, मैदे की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपको दूध कितना एग्जैक्टली लगने वाला है। यहाँ पे लगभग एक कप दूध यूज़ हुआ है, आपको हो सकता है थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़े। केक बैटर को हम एक रिबन कंसिस्टेंसी तक लेके जाएंगे, देखिए कुछ इस तरह। इसके बाद हम बैटर को एक केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। केक टिन को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया था और उसके बाद मैदे से डस्ट कर लिया था। मीनवाइल आप अपना माइक्रोवेव 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस में प्रीहीट करने के लिए रख दीजिएगा। बैटर ट्रांसफ़र करने के बाद केक टिन को ऐसे हम टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाए। उसके बाद हम 35 टू 40 मिनट्स तक बेक कर लेंगे। केक हो गया है ये पता चलेगा, ऐसे ही टूथपिक इंसर्ट करके अगर क्लीन आ जाए तो मतलब आपका केक रेडी है। उसके बाद अब 10 मिनट रख दीजिएगा और उसके बाद ऐसे नाइफ के सहारे एजेस को निकाल के केक को टिन से बाहर निकाल लीजिएगा। इस केक को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद डेकोरेशन का प्रोसेस चालू करेंगे। पहले हम एक डबल बॉयलर प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए वेसल में पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। अलग एक मिक्सिंग बोल में हम चॉकलेट और क्रीम को मिक्स करेंगे और इसे डबल बॉयलर में मेल्ट करेंगे। आप चाहे तो चॉकलेट को पहले से मेल्ट कर सकते हैं माइक्रोवेव या डबल बॉयलर में, उसके बाद क्रीम ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको क्रीम को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, जलाना नहीं है। क्रीम और चॉकलेट जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम बटर मिक्स करेंगे और ये जो गनाश है उसके लिए उसमें एक शाइनी टेक्सचर आ जाएगा। विंटर सीज़न में लगभग आपको 30 मिनट्स तक रेफ्रिजरेटर में रखना है और समर सीज़न में आपको लगभग 2 घंटा लग सकता है। उसके बाद ऐसा एक टर्न टेबल लेंगे, आपके पास अगर टर्न टेबल नहीं है तो एक कटोरा उल्टा करके रख के उसके ऊपर ऐसे प्लेट को उल्टा करके रखेंगे तो टर्न टेबल का काम हो जाएगा। उसके ऊपर केक बोर्ड रखेंगे, केक बोर्ड के ऊपर हम थोड़ा सा गनाश लगा के उसके बाद एक
ये केक हमने रखा है। केक का जो ऊपर वाला जो हार्ड पोर्शन है उसको हम निकाल लेंगे, स्क्रैप कर लेंगे और बीच में से हाफ कर लेंगे। ऐसे हम नाइफ के मदद से पहले मार्क कर लेंगे, उसके बाद थ्रेड से हम केक को दो हाफ में डिवाइड कर लेंगे। देखिए ऐसे। एक बोल में हम पानी और शुगर का पाउडर ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यही मिक्सचर को हम केक बेस के ऊपर लगा लेंगे। इससे आपका केक जो है काफ़ी सॉफ्ट रहता है। उसके बाद हमने जो गनाश प्रिपेयर किया है उसे हम ऊपर लगा लेंगे। घर में ऐसा केक बनाने के लिए आपको एक पैलेट नाइफ की ज़रूरत है, एक अच्छा पैलेट नाइफ की बहुत ज़रूरत है। आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। ये केक एक बार आपने घर में बना लिया तो यकीन मानिए आपको बाहर से केक मंगवाना कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज इसमें आपको जो हाइजीन आप घर में खुद के घर में जो मेंटेन कर सकते हैं वो बाहर के केक में कभी नहीं होता है। अभी हम सेकेंड लेयर इसके ऊपर लगा देंगे और ये सेकेंड लेयर भी हम शुगर वाटर से कोट कर देंगे। देखिए अच्छे से हम इसमें शुगर वाला जो पानी हमने तैयार किया है वो हम डाल देंगे। देखिए ये चीनी के पानी से हम अच्छे से केक को कोट कर लेंगे, स्पेशली जो साइड्स है क्योंकि साइड्स थोड़ा हार्ड रहता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर लगाएंगे गनाश का। अच्छे से धीरे धीरे हम पूरे केक को गनाश से कवर कर लेंगे। गनाश को आप अच्छे से धीरे धीरे लगाइए, कोई हड़बड़ी मत कीजिए, आराम से लगाइए। अच्छे से बन जाता है ये केक और बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है। देखिए हमने गनाश से अपना केक को अच्छे से कोट कर लिया है। इसके बाद हम एक गर्म पानी के ग्लास लेंगे और उसमें हमारा पैलेट नाइफ डिप करके उसे कपड़े से पोंछ लेंगे और ऐसे चलाते रहेंगे। इससे हमारा जो केक है वो और स्मूथ हो जाएगा। देखिए हमारा केक कितना इवन हो गया है। इसके बाद हम जो एक्सेस है वो हम पोंछ लेंगे अच्छे से कोई टिश्यू पेपर और टॉवल से। उसके बाद हमारे पास जो एक्सेस गनाश बचा हुआ है उसमें 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करके उससे डबल बॉयलर में हम एक बार गर्म कर लेंगे और इसे केक के ऊपर ऐसे डाल देंगे ताकि ऊपर से एक शाइनी लेयर आ जाए और ऐसे पैलेट नाइफ हल्के हाथ से चला देंगे ताकि ये पूरा स्प्रेड हो जाए। एक बार अच्छे से फाइनली हमारा जो गनाश है वो केक के ऊपर सेट हो जाए
उसे पोंछ के साफ करके हम फ्रिज में रख देंगे थोड़ा सा सेट होने के लिए। उसके बाद मनचाहा डेकोरेशन करेंगे। मैंने यहाँ पे जेम्स और स्प्रिंकल्स का यूज़ किया है, आप अपने मनपसंद डेकोरेशन कर सकते हैं। हमारा चॉकलेट ट्रूफल केक रेडी है। ये रेसिपी आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे और भी रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।